24 न्यूज। तो चले चलते हैं ताजा खबरों की ओर। मीडिया संस्थानों पर आईटी के छापेमारी के विरोध में पत्रकारों ने राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा ज्ञापन। पीलीभीत की बड़ी खबर, पत्रकारों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारी संख्या में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर की नारेबाजी। पीलीभीत में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल भारत समाचार पर छापेमारी के विरोध में भारी संख्या में इकट्ठा होकर पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। दरअसल भारत समाचार ने लगातार कोरोना की अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार की पोल खोल दी, जिसके चलते सरकार ने डरकर मीडिया संस्था और पत्रकारों के घरों पर छापेमारी करवा दी, जिसको लेकर सैकड़ों पत्रकारों ने इकट्ठा होकर मोदी योगी होश में आओ आईटी की छापेमारी पर रोक लगाओ जैसे तमाम नारों से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा, भाजपा सरकार ने पत्रकारों और मीडिया संस्थानों का सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया है। वहीं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के मंडल अध्यक्ष निर्मल कांत शुक्ला और जिला अध्यक्ष सुधीर दीक्षित ने कहा, भारत समाचार निष्पक्ष और सच्ची खबरें चलाता है। कोरोना काल में भारत समाचार ने सरकार की अव्यवस्थाओं और फेल सिस्टम की पोल खोल कर रख दी, जिससे बौखलाई सरकार ने भारत समाचार ने दफ्तर और ब्रजेश मिश्रा के घर पर छापेमारी करवाई। भारत समाचार ने हमेशा सच दिखाया है, गरीबों की आवाज बुलंद की और न्याय के साथ खड़ा रहा, और सरकार सच सुनना नहीं चाहती, इसलिए बौखला कर छापेमारी करवा रही है। सरकार को इस नाकामी की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। पीलीभीत से इंद्रजीत सिंह, राजपूत ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। गठजोड़ हुआ है, इसके चलते हुए पत्रकारों पर पूरे प्रदेश में जगह जगह हमले हो रहे हैं, पत्रकारों पर FIR हो रही है। सरकार उसको अनसुना कर रही है, सरकार उसकी अनदेखी कर रही है। उसकी वजह यह है कि सरकार में बैठे हुए तमाम लोग भी इन अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। अभी हाल में पीलीभीत में जिस तरह से 24 जुलाई को सट्टेबाजों ने एक पत्रकार साथी हमारे हैं सैसीन, उन पर जो हमला किया है और उनको जिस तरह से सोशल मीडिया पर उस घटना को वायरल हुआ है, उसमें एक एक चीज़ दिखाई दे रही, मौके पर पुलिस मौजूद है, इससे गंभीर और शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि पुलिस सट्टेबाजों से मिली हुई है और पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो ये माना जा रहा है कि इसमें पूरी तरह से ऊपर के भी लोग इन्वॉल्व हैं इस धंधे में, जो इस तरह के लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, जिसके चलते अवैध रूप से काम करने वाले, गलत धंधे करने वालों के इस हद तक हौसले बुलंद हैं कि वो मीडिया पर हमले कर रहे हैं।